इंडिया में पहली सेलुलर कॉल हुई 31 जुलाई 1995 के दिन। 21 साल बाद 2016 में इंडियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और अब इसके बिना लाइफ अधूरी सी लगती है। My mobile is everything for me. Mobile is like a heart now. I wake up with it and I go to bed with it. पर जिस मोबाइल के बिना आप जी नहीं सकते, आइए देखते हैं ये मोबाइल्स आखिर बनते कैसे हैं। सबसे पहले LCD टच पैनल का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। भैया टच फोन में सारा काम तो टच पैनल से ही होता है ना, तो इसका परफेक्ट होना जरूरी है। ओके होने पर टच पैनल को आगे भेजते हैं। दूसरी तरफ ग्लू मशीन से फ्रंट हाउसिंग पर ग्लू लगाई जाती है। फिर इस फ्रंट हाउसिंग से टच पैनल को जोड़कर इसे असेंबली लाइन में भेजा जाता है। असेंबली फ्लोर एक इनर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लोर होता है, यानी ये फ्लोर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अब्सॉर्ब करती है, और क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज फोन के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, इसीलिए इनर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लोर होना जरूरी है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB को फोन का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माना जाता है। फोन के सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इसी से अटैच किए जाते हैं। आप इसे फोन का दिल भी कह सकते हैं। कंपोनेंट्स सोल्डरिंग के दौरान डैमेज ना हो, इसीलिए उन पर पेपर टेप्स लगाए जाते हैं। PCB पर फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों फिट करके सोल्डर किए जाते हैं। सेल्फीज खींचने वालों को ये देखकर जरूर शांति मिली होगी, भाई फ्रंट कैमरा जो लग गया है। इनफैक्ट 2013 में सेल्फी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर था। यहाँ पर हर सोल्डर स्टेशन पर एक एग्जॉस्ट सक्शन पाइप लगा है ताकि सोल्डरिंग से निकला धुआं बाहर जाए और इन वर्कर्स को नुकसान न पहुंचाए। मतलब यहाँ की हवा में भी स्वच्छ भारत अभियान ऑन है। अब बारी है PCB पर वाटर लेवल पेस्ट करने की, जो एक सर्कुलर व्हाइट स्टिकर होता है। अगर फोन पानी में गिरा हो तो सर्विस स्टेशन पर इससे पता लग जाता है, क्योंकि पानी से कॉन्टैक्ट होने पर इसका कलर रेड हो जाता है। और ये है माइक, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। इसी से तो आपकी आवाज दूसरे मोबाइल यूजर तक पहुंचती है। माइक को PCB के बॉटम एंड पर सोल्डर करते हैं और टॉप पर लगाते हैं स्पीकर, फिर लगाते हैं वाइब्रेटर। बिना वाइब्रेटर के रिंगटोन में मजा भी तो नहीं आता। फिर LCD और टच पैनल को PCB से केयरफुली जोड़ा जाता है और साइड स्लॉट पे वॉल्यूम और पावर बटन फिक्स करते हैं। और अब मोबाइल की मिडिल हाउसिंग में वाईफाई और GSM फिट किया जाता है, ताकि वाईफाई जोन में जाते ही हमारा फोन हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ जाए। अगले स्टेशन पर इस मिडिल हाउसिंग को सेमी असेंबल्ड डिवाइस से जोड़ते हैं। अब होती है RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग। मोबाइल फोन पर बातें रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से हो पाती है। ये वर्कर असेंबल डिवाइस में बैटरी डालकर सिग्नल ट्रांसमिशन या कहिए डिवाइस की रिसीविंग पावर टेस्ट कर रही है। यहीं GSM और वाईफाई रेंज टेस्ट होती है, जिससे ऑटोमेटिकली सिस्टम पास या फेल करता है। इस स्टेशन पर कैमरा, टच और साउंड टेस्ट किए जाते हैं। By God यार, इस फोन को तो स्कूल के बच्चों से भी ज्यादा टेस्ट देने पड़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये वर्कर फ्री टाइम में खेल रहा है? जी नहीं, स्क्रीन पर दो डॉट्स को कनेक्ट करके LCD टेस्ट किया जा रहा है। LCD ओके होने पर मल्टी टच माइक और स्पीकर्स लूप बैक टेस्ट होता है। अगले स्टेशन पर ग्रेविटी सेंसर, टच टेस्ट, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और फ्लैश लाइट टेस्ट किए जाते हैं। हे भगवान, एक नन्हा सा मोबाइल और इतने सारे टेस्ट्स। अब एक रोबोटिक मशीन फोन के सारे स्क्रू लगाती है। लीजिए, बन गया आपका फेवरेट कंपेनियन, योर मोबाइल फोन। असेंबली लाइन का फाइनल स्टेप है कंप्लीट विजुअल इंस्पेक्शन। चेक करने के बाद तैयार फोन को पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं। पैकेजिंग लाइन में असेंबल डिवाइस पर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी IMEI लेबल लगाया जाता है। यहां पर IMEI नंबर अलॉट हो रहा है, जो आपके फोन को आप ही की तरह यूनिक बनाता है। फिर एक ऑपरेटर बैक हाउसिंग लगाकर डिवाइस की असेंबलिंग पूरी करता है। इस फैक्ट्री में एक साल में 3 करोड़ मोबाइल फोन्स बनते हैं। पूरी दुनिया में जितने ATM हैं, उससे 10 गुना ज्यादा है ये।